नमस्कार, बिंदु भारत में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि के पितृपक्ष की शुरुआत हो जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस वर्ष यह 10 सितंबर 2022 शनिवार से शुरू हो चुका है। शास्त्रों में बताया जाता है कि पितृपक्ष के दौरान पिंडदान और तर्पण करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और वह खुश होकर अपने वंशजों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बता दें कि पितृपक्ष के दौरान देश के विभिन्न धार्मिक स्थलों पर इस क्रम को किया जाता है, लेकिन इन सभी में बिहार के गया क्षेत्र का महत्व सबसे अधिक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस सिद्ध धाम में पिंडदान करने से एक स्वात कुल व 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है। पौराणिक मान्यता यह भी है कि गया धाम में ही भगवान राम ने अपने पिता दशरथ का पिंडदान किया था। यही कारण है कि इसे पितृ तीर्थ भी कहा जाता है। धाम में पिंडदान करने की पौराणिक कथा है। धाम का नाम एक असुर ग्यासासुर के नाम से रखा गया था। कथा के अनुसार ग्यारसपुर ने भगवान विष्णु से वरदान की प्राप्ति के लिए कठोर तप किया था, जिसके बाद भगवान विष्णु से ग्यारसपुर पर वरदान मांगा हरि स्वयं ही उनके शरीर में वास करें, जिसके बाद उसे कोई भी देखे तो उसके पाप नष्ट हो जाएं और उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। भगवान ने उसे यह वर दिया और वैकुंठ लोक लौट गए, लेकिन इस वरदान से देवतागण चिंतित हो गए। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे देखने के बाद असुरों के भी पाप नष्ट हो रहे थे। ऐसे में इसे रोकने के लिए सभी देवतागण भगवान विष्णु के समक्ष पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं का आश्वासन दिया है कि ग्यारसपुर का अंत अवश्य होगा, जिसके बाद सभी देवतागण निश्चिंत होकर अपने अपने धाम लौट आए। कुछ दिन बाद भगवान विष्णु के गदा से ग्यारसपुर का वध हुआ, लेकिन मरने से पहले ग्यारसपुर ने भगवान से यह वरदान मांगा कि जिस शिला पर वह अपने देह त्याग रहा है वहां पर सभी देवता विराजमान हो जाएं और यह स्थान मृत्यु के बाद किए जाने वाले धार्मिक कार्यों के लिए सिद्ध स्थल बन जाए। भगवान विष्णु ने ग्यारसपुर की इच्छा पूर्ति की और आज इस स्थान को मृत्यु के बाद के लिए जाने वाले पिंडदान अथवा श्राद्ध के लिए सबसे सिद्ध माना जाता है। गरुण पुराण में यह भी वर्णन मिलता है कि फल्गु के जल में भगवान विष्णु स्वयं वास करते हैं। यही कारण है कि फल्गु नदी में पिंडदान करने से पितरों को निश्चित ही मोक्ष प्राप्त होता है, साथ ही उनके समस्त कुल का उद्धार होता है।